नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। होशियारपुर के कस्बा मुकेरिया के एमा मांगड़ बस अड्डे के नजदीक पंजाब पुलिस की बस और ट्राले में हुई टक्कर, 4 पुलिस कर्मियों की हुई मौत, दर्जन भर से अधिक हुए घायल। जालंधर के लेदर कॉम्प्लेक्स के पास एक व्यक्ति का शव हुआ बरामद, शरीर पर चोटों के थे निशान। जंडियाला गुरु के गांव बंडाला से मेहंदी लगाकर वापस लौट रहे एक्टिवा सवार दो नौजवानों के साथ हथियारों के बल पर हुई लूट, 2 मोबाइल फोन और 10,000 रुपयों की नकदी लूट हुए फरार। अरब हलचल विस्तार से। होशियारपुर के कस्बा मुकेरिया के एमा मांगट बस अड्डे के नजदीक सुबह पंजाब पुलिस की बस और ट्राले में टक्कर हो गई, जिस कारण पंजाब पुलिस के 4 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से 20 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए मुकेरिया के अस्पताल में लाया गया, जहां पर 5 कर्मचारियों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अमृतसर रेफर कर दिया गया। फिलहाल बस को पुलिस कर्मचारियों द्वारा मौके से हटा लिया गया है, लेकिन ट्राला दुर्घटना स्थल पर ही खड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी होशियारपुर सुरेंद्र लांबा भी घटना स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बस में बैठे घायल कर्मचारियों से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि बस के आगे जानवर आ गया था, जिसे बचाते हुए ये दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना में 4 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो चुकी है और 5 गंभीर घायलों को अमृतसर रेफर कर दिया गया है। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सवेरे मॉर्निंग 6 बजे के करीब जी साढ़े गुरदासपुर की ड्राइवर फोर्स लैके जलंधर तो TAP तो लैके आ रहा है जी, वो अचानक इतने ट्राला खड़ा सगा रोड से, वो बज गई है। वो बजन कारण जोड़े है ड्राइवर की डैथ हो गई है, एक नाल लेडी कंस्टेबल से वो डैथ हुई है जी, एक मुलाजम होर है जी की डैथ हुई है, तो 3-4 मुलाजम इंजर्ड हो जी। उन्होंने फर्स्ट एड देकर होस्पिटल भेजा जी, उतों कुछ रैफर किए 2 जी जलंधर नूं, ते बाकी DSP साहब आ साडे बिरक साहब मौके ते जी उत्थे कर रहे आ जी। अजे फिलहाल कोई कारण का पता नहीं गा जी किवें होया जी, वो बाकी सारी जानकारी देखते हैं जी, उस तो बाद दवांगे। मुलाजमान की जी बस है जी जलंधर तो PAP सेंटर तो लैके अपने गुरदासपुर जा रहे थे। जालंधर में लेदर कॉम्प्लेक्स के पास सुबह एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। मृतक की पहचान अंकुर के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार लेदर कॉम्प्लेक्स के गंदे नाले के पास राहगीर ने सुबह करीब 9:15 बजे एक शव पड़ा देखा, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई, जिसके बाद थाना बस्ती बावा खिल की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस मौके पर थाना प्रभारी राजेश ठाकुर ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक ना 18-19 साल का एक लड़का है अंकुर जी, अंकुल पे उसकी डेड बॉडी मिली है, उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम। परिवार वाले दा कोई दस्या उन्हें वालों को? परिवार वाले तो परिवार वाले ने गल कर रहे हैं, परिवार वाले थोड़े अजय हमको कुछ नहीं, हम तो काम से आए थे, अभी से काम पे चले गए। ये अपने बत्ती किरदार में काम नहीं करता था लड़का, पढ़ता था या क्या करता था? पढ़ता था, 2 साल पहले पढ़ाई छोड़ दिया। उम्र कितनी है इसकी? उम्र इसका 18वीं चल रहा है। क्या नाम क्या है इसका? अंकुल कुमार। परिवार में कौन कौन है इसके? मेरा एक इसकी बहन है, मैं दोनों लोग। जहाँ पर काम पर रहता है ये? यही न्यू राजनगर कबाड़ी वाली गली। जंडियाला गुरु के गांव बंडाला से मेहंदी लगाकर वापस लौट रहे एक्टिवा सवार 2 नौजवानों के साथ लूट का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक जब ये लोग एक्टिवा पर वापस लौट रहे थे तो पीछे से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब वे नहीं रुके तो लुटेरों ने आगे आकर दातर मारकर एक्टिवा की लाइट तोड़ दी, जिस कारण दोनों युवक नीचे गिर गए, जिसके बाद लुटेरों ने एक हवाई फायर किया और उसके बाद दातर से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इस दौरान लुटेरे उनके पास से 2 मोबाइल फोन और 10,000 रुपयों की नकदी छीनकर फरार हो गए। वही घायलों ने बताया कि तीनों लुटेरों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और अंधेरे के कारण वे उन्हें पहचान नहीं पाए, जिसके बाद घायलों को निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।
तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसएचओ जंडियाला गुरु और चौकी इंचार्ज राजबीर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। जांच अधिकारी ने बताया कि घायलों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं बंडाला जा रहा था, मेरे पीछे बंदे खड़े थे। हां जी, फिर जानिया के पास में उन्होंने मेरी एक्टिवा में लात मार, फिर भी एक्टिवा मैंने नहीं रोकी अपनी। फिर दोबारा फिर उन्होंने मेरी एक्टिवा में दांतर मारा। फिर मैं नीचे डिग गया। फिर उन्होंने मुझे नीचे उतार के फिर कूटा। सारे पैसे मेरे 10,000 रुपए थे, मोबाइल था, सब ले। आपके साथ कौन कौन था? बस मेरा भतीजा था एक ही। उसके पास भी मोबाइल था। दोनों मोबाइल छीने गए। कोई फायर भी कितना सीन में? हाँ, जैसे कि उन्होंने मारा है दांतर, उसमें एक्टिवा फटाक दिया। कितने आदमी थे? 3 बंदे थे। ठीक, कहाँ जा रहे थे आप? हमें मेहंदी लगा कर रहा था। नंगर रोड से कांड होया, उसके बारे जानकारी दो। ये ना दो लड़के जी, अभिषेक ते आकाश, ये दोनों बंडाले तो आ रहे थे। करीब 9 बजे के करीब इन्हों पिछों दो मोटरसाइकिल से आ रहे, तीन मोटरसाइकिल सवार से मूँह बन्ने ही उन्होंने इन्हों लत मार के पहले सुटिया। इन्हों को खोहन की कोशिश की तो ये थोड़ा अगे अड़े, इन्हों की कुटमार करके 10,000 रुपया ने दसन बता 10,000 रुपया तो मोबाइल लै गए ने। तो मौके पर साड़ी सर्च चल रही है, तो बड़ी जल्दी ये जो गिरफ्तार किए जाएंगे। सर एक कते ही है जिन्हें ये एक्टिवा से दोनों जोड़े पीड़ित ने, तो अपना काम करके वापस आ रहे थे दूसरे मोटरसाइकिल से। बहुत जल्द इन्हों गिरफ़्तार किया जाऊगा जी, साड़ियाँ टीम लगिया वा। असं अपनी जो टैक्नीकल होंगी साड़ी इन्वेस्टिगेशन वो साड़ी जारी है। अमृतसर देहात पुलिस के SSP सतेंद्र सिंह की ओर से समाज विरोधी तत्वों पर नकेल कसने के लिए दी गई हिदायतों पर कार्रवाई करते हुए थाना जंडियाला गुरु के SHO इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह की ओर से इलाके भर में पूरी सरगर्मी दिखाई जा रही है, जिस कारण लूटपाट तथा समाज विरोधी तत्वों पर नकेल कसी जा रही है। इसी के तहत जंडियाला गुरु के नजदीकी गांव राणा कला की नहर पर नाकाबंदी के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 273 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान आकाशदीप सिंह निवासी गांव बालियां मंजपुर के तौर पर हुई है। फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है। वहीं SHO मुख्तियार सिंह ने शहरवासियों से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस का सहयोग देने की अपील भी की है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। 273 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜੋ ਹੈਰਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦੇ। ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਐਸੇ ਆ, 16 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵੇ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 273 ਗ੍ਰਾਮ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਗੋਰਾਇਆ ਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਗਤ ਰਾਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ श्री ऋषि कुटिया में चोरी की वारदात के साथ साथ बेअदबी भी की गई, जिसका पता जब सुबह चला तो मंदिर के सेवादारों में रोष की लहर है। गौरतलब रहे कि गत रात्रि चोर शहर के ऐतिहासिक श्री राम मंदिर ऋषि कुटिया में ताले तोड़कर घुसे तथा जूते पहनकर मंदिर के अंदर घूमते हुए उन्होंने ताले तोड़कर गोलकों में पड़ा हुआ पैसा निकाल लिया। इतना ही नहीं, मंदिर के जिस हिस्से में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी वहां पर जूते पहनकर चोर घूमते रहे। सुबह के समय मंदिर के सेवादारों को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने इस संबंधी पुलिस को सूचना दी। मंदिर के सेवादारों द्वारा जब CCTV कैमरे चेक किए गए तो उसमें सभी आरोपी नजर आ रहे थे। वही घटना की सूचना मिलते ही थाना गोराया के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जाँच शुरू कर दी। गोराया से पंकज शर्मा की। जय सीता राम सारी संगत नूं। अज जो ऋषि कुटिया दे विच सवेरे 2 बजे दे करीब समाधियां ते राम मंदिर विच चोरी हुई आ, ये चोरी नहीं हुई, सीधा डाका पिया आ।
और सैकेंडली राम मंदिर की सीधी बेअदबी हुई आ चप्पलों के नाल राम मंदिर के जाना सारिया समाधा दे अगे सारिया समाधा के राम मंदिर के जाना कंध में पाड़ के चोर अंदर आए हैं और सन इट्स नॉट रिलेटड विद द सनातन धर्म ये सारिया सारे धर्मां रिलेटड मंदिर आ सारे धर्मां के लोग इत्थे आते हैं और बड़िया खुशियां लैके जाते हैं पर अज साडियां रूहां ते वार करके गए ने ओह 22 तरीक तो पहलों असी चाहते हैं कि इन्हां नू फड़िया जावे पुलिस प्रशासन नू साडी बेनती है कि इन्हां नू फड़िया जावे जे कल नू कोई भी इत्थे कोई प्रॉब्लम हुंदी है संगत विच कोई प्रॉब्लम हुंदी है तां रिस्पोंसिबल असी नहीं होवांगे रिस्पोंसिबल फिर ओह प्रशासन दे मैंबर्स होणगे जिहड़े आए सीगे। हाँ जी भगवान श्री राम मंदिर जी दे विच रिशी कुटिया ग्राम विखे जो चोरी होण दा सानूं न्यूज़ मिली सी असी इमीजिएट मैं अपनी पुलिस पार्टी लैके असी मौका देखिया जो चार गोलकां तोड़ के चोरी की गई है तो जो असी फिंगरप्रिंट टीम भी पहुँच रही आ डंप भी मौके पर चक्या गया होर भी शक्की पुरशां नूं जिहड़ा पुछगिछ करके सीसीटीवी कैमरिया नूं भी खंगालिया जा रहा असी जो हर संभव कोशिश करके इस चोरी की वारदात नूं जल्दी ट्रेस करांगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। किन्ने सीसीटीवी जी किन्ने के बंदे देखे जी तुसी कितना एंटर कितना कीते जी चोर जो चोर रेलवे लाइन दे पिछली साइड तो एक सीमेंट दी जाली नू तोड़ के एंटर होए है जो चार दे करीब गिनती सीसीटीवी कैमरे च दिखाई दे कैश तो बंद गोलका ने जिस बारे कोई इन्होंने अंदाजन दसिया कि लाख के करीब कैश हो सकता विच हाँ जी असी एफ आई आर ज लॉज कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे विच भी आ रही आ उन्हां दी असी ये मंग करते हैं सारे भगत जन सेवादार पुलिस प्रशासन को यही बेनती है कि जल्दी तो जल्दी जिहड़े चोर आ ये फड़े जान जिन्हां ने साडी इस मर्यादा नूं भंग किया है जिन्हां ने आके सानूं सारे भगतां नूं ठेस पहुँचाई है जिहड़े अंदर भगवान दीआं मूर्तियां तक पहुँच गए आ सानूं इस गल का बड़ा दुख है और असी सारे सेवादार जिन्हें भी हाँ यही साडी बेनती है कि जल्दी तो जल्दी प्रशासन इन्हां चोरां नूं फड़े और असी एक होर सेवादारां वल्लों कि अगर किसी नूं इन्हां दा पता लगे तो 1,00,000 रुपए का नाम दिता जाएगा और जिहड़ा भी दसेगा उहदा नाम गुप्त रख्या जाएगा और कोई दस्या नहीं जाएगा उसनूं कि उहदे बारे कि किहने दस्या है सानूं। बरनाला के धनोला मंदिर में लाखों रुपयों की चोरी करने वाले चार नामजद लोगों को बरनाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में बरनाला जिले के धनोला कस्बा के प्रसिद्ध बजरंग बली जी मंदिर में पिछले दिनों कुछ लोग रात के 11-12 बजे मंदिर में घुस गए और मंदिर से एक चांदी का मुकुट, दो चांदी के गद्दे, एक जोड़ी खड़ावा, चांदी की चौकी, छोटे और बड़े चांदी के 10 छत्र, 4 सोने के नेत्र, 1 तिलक सोने की और घटना के दौरान इस्तेमाल की गई पल्सर मोटरसाइकिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर बरामद कर लिया है। इस मौके पर एसएसपी संदीप कुमार मलिक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बलकार सिंह और गुरशरण सिंह निवासी बडरुखा जिला संगरूर शाम को मंदिर पहुंचे और उसी रात कोहरे का फायदा उठाकर उन्होंने रेकी की। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा चुराया गया सामान रामफल को बेचा गया था जो जोहरी का काम करता था और कुछ सामान गुरसेवक सिंह को बेचा गया था जो नाई की दुकान चलाता था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ के लिए माननीय अदालत में पेश कर रिमांड हासिल कर लिया है। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। एक पुराना हनुमान मंदिर जिथे काफी लोगों के श्रद्धालु जाते ने उथे उस रात नू चोरी हुई सी कुछ ज्वेलरी ते सिल्वर ते गोल्ड दे आइटम्स ते ऑर्नामेंट सीगे उन्होंने दो चोरों ने चुरा लिया सीगा ते फिर जिदा ही सानू पता लग गया साडे SPD साहब रमनीश चौधरी जी, DSP गमजूर सिंह जी, DSP बरनाला सतवीर सिंह, इंचार्ज पुलिस स्टेशन धनोला लखविंदर सिंह एंड इंचार्ज CIA बलजीत सिंह जी, उन्हां दी टीम्स ने दिन रात मेहनत करके बड़ी छेती ये सारा का सारा जो भी चोरी हुई सी कर लिया, आइटम्स भी बरामद कर ले ते जेड़े भी एक्यूज्ड एदे विच सीगे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। एदे विच जो सानू पता लग गया कि दो मेन एक्यूज जेड़े बलकार सिंह ते गुरशरण सिंह उर्फ गुरी जो बडरुखा पिंड दे रहण वाले उन्होंने शाम नू जाके उत्थे रैकी कीती सीगी। उसी दिन रात नू धुंध दा मौसम दा फायदा उठांदे हुए ये एंटर कीता इन्होंने ते उत्थों चोरी करके समान उत्थों निकल गए सीगे।
गां इन्हां ने कुछ समान रामफल उर्फ राजू हैगा जो ज्वैलरी का काम करता उन्हों बेचा, तो एक बारबर की शॉप करता हैगा गुरसेवक, ये संगरूर दे ही हैगे, उन्होंने बेचता सीगा। साड़ी टीम्स ने जिन्ना भी चोरी का समान सीगा वह भी रिकवर कर लिया, चारों बंदियां नू अरेस्ट कर लिया, तो एक मोटरसाइकिल जिहड़ा कि वारदात दे विच यूज होया सीगा वह भी बरामद कर लिया। होशियारपुर के मुकेरिया में हुए बस हादसे पर मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने गहरा दुख जताया है। इस दौरान नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की शुरुआत में उनके द्वारा मृतक पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन व्रत रखकर हादसे में मारे गए कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सारियां नूं बड़ी दुख नाल दसना पै रहा है कि अज सवेरे एक दर्दनाक सड़क हादसे विच असी अपने पंजाब पुलिस के 3 काबिल मुलाजमान खो दिता है। ASI हरदेव सिंह, लेडी कॉन्स्टेबल शालू राणा और सीनियर कॉन्स्टेबल गुरप्रीत सिंह। उन्हां दी आत्मा की शांति लिए सारियां नूं बेनती है कि सारे खड़ के 2 मिनट का मौन रखेंगे। अज भी साडे जवान ड्यूटी दौरान उन्हां दा शहादत होई है और एक असी HDFC नाल जितों जांदी है सैलरीज जांदियां ने उन्होंने भी एक एग्रीमेंट किया हो 1 करोड़ रुपया किसी जवान की शहादत पर ड्यूटी दौरान 1 करोड़ रुपया HDFC वालों तो 1 करोड़ रुपया पंजाब सरकार वालों 2 करोड़ रुपया परिवार को उसकी कोई जान की कीमत नहीं हैगी पर 2 करोड़ रुपये कबीलदारी चलती रहती है बच्चे पढ़ा लेंगे अगे कोई दुख नहीं होगा अगे और नाल नाल परिवार नू संभालांगे जे उस परिवार नू असी नहीं संभालांगे फौजी दे परिवार नू ते पुलिस वाले दे परिवार नू तां फिर जदों लोग देखणगे उन्हां परिवारां दा हाल फिर दोबारा कोई पुलिस जां फौज भर्ती होने की हिम्मत नहीं करता कि उन्हां दा परिवार तां रुल गया यार आपां की करांगे जे उस परिवार नू मान सत्कार बनदा मिले कि फिर वह मुंडे उत्थों दे भी कहणगे कहिंदे जे कोई हैगा अपना अपने मगरों अपने परिवारां नू संभालण वाला हैगा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि दुनिया की एक जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो समय के साथ साथ अपने कंज्यूमर की आवश्यकता के अनुसार टेक्नोलॉजी को लेकर आती है। LG कंपनी ने अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले वॉशर टावर को जालंधर के लोगों के लिए लॉन्च किया। सर्दियों में होने वाली सबसे ज्यादा दिक्कत कपड़ों का ना सूखना होता है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए LG लेकर आया है अपना नया वॉशर टावर जो 1 घंटे से भी कम समय में आपके सारे कपड़ों को सुखा देगा। इस मौके पर वॉशर टावर को लॉन्च करने के लिए जालंधर ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हिमांशु कलानी, मार्केटिंग मैनेजर रमेश कुमार यादव, एरिया सेल्स मैनेजर अमित जग्गी और राय एंटरप्राइजेस के मालिक भारत भूषण चावला भी मौजूद थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की। मैं हिमांशु कलानी, ब्रांच मैनेजर LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जालंधर। मैं आज यहां पर राय एंटरप्राइजेज पे हम लोग LG का वॉश टावर के लॉन्चिंग में हम लोग यहां पर मिले हैं। ये ब्रांच का और जालंधर का फर्स्ट वॉश टावर है जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो इसके जो फीचर्स हैं, इसके फीचर्स ये मैं पहले बताना चाहूँगा, इसमें 13 किलो का वॉशर है और 10 किलो का ड्रायर है इसमें। और इसमें ये अपने आप में यूनिक है, जैसे फॉरेन कल्चर में चलता है, फॉरेन कंट्रीज़ में चलता है, ये फर्स्ट टाइम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड इसको इस वॉश टावर को कम्बाइंड को इंडिया में लेकर के आया है। LG इज़ फर्स्ट इन दिस। जैसे LG को टेक्नोलॉजी इनोवेशन में जाना जाता है, तो हमने एक बार फिर प्रूव करा है कि हम टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में, इंडिया में सबसे आगे हैं और हमने इसको यहाँ पर आज लॉन्च करा है। इसके जो फीचर्स हैं, इसमें स्टीम वॉश है जो कि आपके 99.9% आपका एलर्जी ख़त्म कर देती है। जो मिनिमम वॉश साइकिल है, जो आप इसका 39 मिनट्स में मिनिमम वॉश साइकिल है इसका, और 360 डिग्री वॉश है इसका। AIDD आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्ट ड्राइव इसका फीचर है। बहुत सारे फीचर हैं इसके, ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी
व्यूअर्स है जो कि इस सेरेमनी को देख रहे हैं, कि रिक्वेस्ट है कि एक बार आप राय एंटरप्राइजेस पे आकर के इस प्रोडक्ट को देखिए बिफोर। अगर आप अपने घर पे कोई वॉशिंग मशीन खरीदना चाह रहे हो तो एक बार आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर आकर के देखें, फील करें, सो दैट आप अपने घर के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ले सकेंगे, जिससे कि आपका कपड़ा धुलने में भी आपके फैब्रिक के लिए जो बेस्ट है वो रहेगा। दूसरा, अगर आपको कोई कपड़े सुखाने की कोई झंझट नहीं है, ड्रायर है, ये कपड़े ड्राई कर देगा इमीडिएटली। सेकेंडली, जो मेन फीचर जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपके 99.9% एलर्जीज की एलर्जी जो चीज़ें होती हैं उसको, बैक्टीरियाज उसको ख़त्म कर देता है, एलर्जी फैक्टर्स को, ठीक है, जो कि क्लॉथ में होता है। तो दैनिक सवेरा के माध्यम से मैं राय एंटरप्राइजेज को और पूरे जलंधर शहर के जो निवासी हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ फॉर दिस न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। थैंक यू वेरी मच। मैं पार्थ भूषण, MD राय एंटरप्राइजेस, अपने वालों, अपने स्टाफ वालों, LG वालों सब नू पहले तो गुरपुरब दी बहुत बहुत मुबारक देना है। अज दा दिन बहुत वधिया दिन है। अज साड़ी कंपनी LG ने लॉन्च किया है 2-in-1 वॉशिंग मशीनस, जिहड़ी कि वर्ल्ड दी पहली वॉशिंग मशीन है और पंजाब दे फस्ट लॉन्च हो रही है। और इस दे विच 13 किलो दा वाशर और 10 किलो का ड्रायर है। इट्स अ 2-in-1 वाशिंग मशीन जिदे तुसी सिर्फ कपड़े पाने हैं तो सुके हुए कपड़े बाहर कढ लेने हैं, जिदी के दिस इज़ अ 2-in-1 वाशिंग मशीन है, जिहड़ी कि आम तौर के उत्ते सिंगल सिंगल पीस हुंदा है, जबकि कंपनी ने टावर AC दे टावर वाशिंग मशीन के लिहाज नाल कढ़िया वे, जिहड़े कि इक्को इहदे नाल स्पेस भी घट लगती है, जगह भी घट किरदी है, तो कपड़े भी उहदे नालों बैटर धोते जाते हैं। बाकी इहदे च जिहड़ी फीचर्स हैगे ने और A1 फीचर है जिहड़े कि किसी वाशिंग मशीन च नहीं है, जिहदे कि टाइमिंग भी कट लैंदी है, सर्फ भी कट लैंदी है और पानी भी कट लैंदी है। क्वालिटी फीचर सब तो बेस्ट है, लोकल सर्विस सेंटर्स ने, कंपनी के ट्रेन मकैनिक है जिहड़े इंस्टॉल करते हैं। और उम्मीद है कि इनू कंपनी जो कि पब्लिक नू दिखाया गया और तो काफ़ी सानू अच्छा रिस्पोंस इहदा मिलिया है। इहदी जिहड़ी MRP हैगी है वो अप्रोक्सीमेटली 2,80,000 रुपये है, लेकिन कंपनी ने लॉन्चिंग और स्पेशल स्कीम दे ले 2,15,000 रुपए रेट रखे हैं। 3 माह पहले होशियारपुर से लापता हुआ एक 24 वर्षीय लड़का आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद अपने परिवार को मिल गया है, जिसके बाद पारिवारिक सदस्यों की ओर से SSP सुरेंद्र लांबा सहित आम लोगों का उन्हें सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया गया। गौरतलब रहे कि होशियारपुर के सिंगड़ी वाला बाईपास के नज़दीक स्थित पार्क वुड कॉलोनी का रहने वाला 14 वर्षीय लड़का अरियांश कश्यप गत वर्ष 10 अक्टूबर को घर से लापता हो गया था, जिसके बाद परिवार की ओर से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। आखिरकार 3 माह बाद अरियांश कश्यप को उसके अभिभावक ढूंढने में कामयाब हो गए और अब उक्त नौजवान सही सलामत घर वापस आ गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अरियांश कश्यप के माता पिता ने बताया कि अरियांश कर्नाटक से बरामद हुआ है। वह क्रिकेट खेलने का काफी शौकीन था और क्रिकेट खेलने के लिए ही वह घर से गया था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को ढूंढने में SSP सुरेंद्र लांबा ने उनकी बहुत अधिक मदद की और आम लोगों ने भी उन्हें पूरा सहयोग दिया, जिस कारण वे अरियांश को सही सलामत ढूंढने में कामयाब हो सके हैं। इस मौके पर परिवार के सदस्यों ने हाथ जोड़कर आम लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में लोगों द्वारा दिए गए सहयोग को वे कभी नहीं भूलेंगे। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से चेतन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस तरीका के न्यूज उन्होंने दिया और हमारे हर दर्शक को पहुंचाया और इस वजह से भी मेरा बेटा मतलब मिल गया मुझे। थैंक यू सो मच जी। तो कहाँ से सर मिला है वो? ये हैदराबाद से 200 किलोमीटर कर्नाटक, मैंने कर्नाटका में था ये। कुछ लगा पता वहाँ कैसे पहुंच गया, क्या रीजन हुआ था घर से जाने का? ये क्रिकेट के एक माध्यम से गया कि मुझे क्रिकेट खेलना है और अच्छे अकेडमी में मैं अपने प्रैक्टिस करूँ और इसका एम बड़ा है, इसीलिए ये अकेडमी सर्च करते हुए कर्नाटक पहुँच गया था जी। तो वहाँ अकेले हालातों में सर रह रहा था फिर वो? अकेले कैसे सरवाइव किया होगा वो आप और हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। बुरा तो था ही, लेकिन जुनून जो इसका क्रिकेट का था
वो उस तरीका से उसको फील नहीं होने दिया होगा, तभी वो 3 महीने तक रहा वहां पे। तो अभी ठीक है, एकदम ठीक, सही सलामत कर रहा है जी। बस आप लोग के दुआ और भगवान के आशीर्वाद से ठीक है जी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे बच्चे को ढूंढने में मदद की। बहुत सारे लोगों ने हमारी हेल्प की, सबकी दुआएं लगी और सबने लाइक शेयर बहुत ज़्यादा किया, इसलिए मेरा बेटा मुझे मिल गया। शायद सबकी दुआओं से बहुत खुशी का माहौल है, हम बहुत खुश हैं। भगवान के शुक्रगुजार हैं हम कि हमारा बच्चा सही सलामत मुझे मिल गया जी। आपने जब आपको लोकेशन पता चली थी तब SSP सुरेंद्र लंबा जी के साथ भी आपने कॉन्टेक्ट किया था, हाँ, तो उनका कैसा रहा था वो? सर का बहुत बहुत हमारा सर ने मदद की, बहुत अच्छी रिप्लाई आई सर का, सर ने बहुत हेल्प किया, सर के थ्रू ही हम पहुँच पाए। ठीक है, अभी सही सलामत घर पहुँच जी। हाँ जी, बहुत सही सलामत। कॉस्मो हुंडई GT रोड जालंधर की ओर से नई हुंडई क्रेटा को लॉन्च किया गया। हुंडई की ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज सेंसुअल स्पोर्टनेस पर आधारित ये क्रेटा कार है। नई हुंडई क्रेटा एडवांस्ड एंड हाईटेक फीचर स्क्वाड ग्रीन LED हेडलैम्प्स, हुंडई स्मार्ट सेंस लेवल 2, ADAS वॉइस इनेबल्ड, स्मार्ट पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम इंटीरियर, ड्राइव मोड सिलेक्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, बॉस प्रीमियम साउंड सिस्टम, 8 स्पीकर्स और पेडल शिफ्टर से लैस है। इस कार की लॉन्चिंग CSD मैनेजर पवन कुमार मीना ने विशेष रूप से उपस्थित होकर की। इस मौके पर MD प्रवीण आहूजा, CEO नरेंद्र कौशल, ESM समीर शर्मा, कॉरपोरेट मैनेजर अक्षत भार्गव सहित समूह स्टाफ मौजूद रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਆਹੂਜਾ ਕੋਸਮੈਂਡਾਈ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰੇਟਾ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫੀਚਰਸ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਓ ਮਤਲਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੋਸਮੋ ਹੁੰਡਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਡ ਯੂ ਮੋਸਟ ਲਵਿੰਗ SUV ਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕ੍ਰੇਟਾ ਬਾਰੇ। ਹਿੰਡਈ ਕ੍ਰੇਟਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਰੀਮ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਰ ਲਵਾਂ। 16th January ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਲਰਸ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮਾਡਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਵੇਟਿੰਗ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹਿੰਡਈ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਸਮੋ ਹਿੰਡਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲੁੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਡਈ ਦਾ ਲੋਗੋ ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਸਟਮਰ ਐਂਡ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਿੰਬਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ DRLs ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ DRLs ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਨੈਕਟਡ LED DRLs ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ DRLs ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ DRLs ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਫਰੰਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਲ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਰੈਡੀਏਟਰ ਗ੍ਰਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਰਕ ਕਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ SUV ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸਕਿਡ ਪਲੇਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। LED ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬਲਬਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 1 2 3 4 ਪ੍ਰੋਪਰ LED ਲਾਈਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਨਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਪਰ ਹੁੱਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਟਸ ਕਾਲ ਅਪਰ ਹੁੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬੋਨਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੁੱਡ, ਹੁਣ ਅਪਰ ਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ SUV ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 1.5 ਕਾਪਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ, 1.5 ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ, ਹਿੰਡਈ ਨੇ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 1.4 ਟਰਬੋ ਪੈਟਰੋਲ GDI, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਕਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੋਟਲ 7 ਕਲਰਸ ਆਏ ਨੇ, 6 ਹਾਰਡ ਹੈ, 1 ਡਿਊਲਟੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ABS ਬਲੈਕ,
उस तो बाद लोगों का सब तो पसंद किया जाने वाला एटलस वाइट कलर आ जाएगा, फिर एक नवा कलर इन्होंने लॉन्च किया रेंजर खाकी, फिर एक आ जाएगा टाइटन मटैलिक ग्रे दे विच, जिहड़ा ग्रे कलर आ रहा मटैलिक आ रहा इस बारी वो भी तुहानू कलर दे विच मिल जाएगा। ठीक है, हुण आपां गल करिए कार्स दे फीचर्स दी। सब तो पहला तो तुसीं देख सकते हो LED लाइट्स, DRLs, फ्रंट लुक का। हुण अलॉय व्हील्स आपां गल करिए, डायमंड कट 17 इंचज दा अलॉय व्हील्स आ रहे हैं, उस मिरर साइड वाले फोल्डेबल इलैक्ट्रिक नवी चीज़ ऐड की गई है, 360 कैमरा तुहानू फ्रंट ते साइड्स ते बहुत साइड कैमरा मिल जाएगा, क्रोम हैंडल्स आ जाएंगे, सिल्वर रूफ रेल्स एज साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है, फ्रंट एंड रीयर लुक दे विच जो चेंज किया गया, रीयर की जो आप गल करिए जो LED लाइट्स हैं तुसी देख सकते हो प्रॉपर LED प्लस 3D Hyundai लोगो मिल जाएगा तुहानू इहदे विच, SX लिखा आएगा टॉप मॉडल दे विच, क्रेटा लिखा आएगा, प्रॉपर LED लाइट्स आ जाएंगे, डी फोगर वाइपर वॉशर। मैं एक बार तुहानू लाइट चला के दिखाना, तुसी देख सकते हो प्रॉपर कनैक्टेड LED टेल लैंप्स तुहानू इहदे विच मिल जाएंगे। रीयर की बूट स्पेस की गल करिए, ह्यूज बूट स्पेस है 433 लीटर का। रीयर सीट्स की गल करिए, काफ़ी स्पेशियस है, कर्टन्स वगैरह मिल जाते हैं। आप हम फ्रंट की गल करते हैं, तुहानू बॉश का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, चारों पावर विंडोज़ म्यूजिक इलैक्ट्रिक फोल्डेबल इलैक्ट्रिक सीट्स, ये 8-way एडजस्टेबल इलैक्ट्रिक सीट्स आ जाएंगी, स्टीयरिंग के उत्ते सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे। एक सब तो सोहनी चीज़ ये ऐड की गई जी कस्टमर अज की डेट से रिक्वायर्ड है, अडास जिहड़ा लैवल 2 ये ऐड किया गया, 19+ फीचर्स मिल जाते हैं। उहदे विच बेनीफिट्स की होंदा, तुसी कार नूं ऑटोमैटिकली स्लो हो जाएगी, कोई परसन अगे आ रहा ब्रेक लग जाएगी। इंटीरियर डिजाइन तुसी देख सकते हो, जे होर तुहाडी रिक्वायरमेंट्स है, कोई चीज़ तुसी जानना चाहते हो, वेटिंग पीरियड जानना चाहते हो, तुसी प्लीज़ विजिट कर सकते हो नीयरेस्ट कोस्मे Hyundai दे शोरूम। जिन्नी जल्दी तुसी विजिट करोगे, क्योंकि बुकिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही ने, जिन्नी जल्दी आओगे उन्नी जल्दी अपनी कार लैके जा सकते हो तुसी। कार कलर्स भी काफ़ी ऑप्शनस ने, वेरियंट्स काफ़ी ऑप्शन ने, नवे मॉडल्स ऐड हो चुके हैं, टर्बो इंजन आ चुका है, एक एक चीज़ तुहानू मिल जाएगी, डिमांड तो बहुत ज़्यादा, वेटिंग पीरियड तुहानू देखने मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ वेलकम Cosmo Hyundai एज सून एज पॉसिबल।